बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप खुद कहोगे कि 2 दिन पहले पेपर लीक। जी बोलो यस या नो। आपका आंसर आएगा यस। कैसे? क्योंकि आज मैं आपको प्रूफ करके देने वाला हूं जो मैंने आपको 2 दिन पहले एमजेपी आर्यखंड यूनिवर्सिटी बरेली के लिए, बरेली यूनिवर्सिटी वालों के लिए दिए थे कुछ 10 क्वेश्चन जो आपको लेके आए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 80% आया है, कुछ कह रहे हैं 82% आया है, कुछ छात्र कह रहे हैं सर 33 में से 22 नंबर का बस आए। सबका कमेंट अलग अलग है, समझ रहे हैं, और सबकी बातें अलग अलग हैं। बहुत फोन आ चुके हैं मेरे पास में, बहुत ज्यादा, जिसको उठाते उठाते मैं परेशान हो चुका हूँ। ठीक है, तो आप यार एक बार भरोसा करिए और अपने दोस्तों को सबको बताइए कि पेपर हैकर से ही पढ़ाई करके जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं ना? बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी आपके भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी बीएड उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, नेकपाल की तैयारी कर रहे हैं, पैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूं, जाके डाउनलोड करो फ्री में यार, जाके डाउनलोड करो। एप्लीकेशन बना रखी है, paperhacker.in वेबसाइट पर जाओ, सारे नोट्सों को डाउनलोड करो। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके पूछे गए हैं, इसमें जूलॉजी के फर्स्ट पेपर हुआ है, आज देख लो, आज का पेपर है, 2 दिन पहले पूरा पेपर लीक, समझ लो। आप देख सकते हैं जूलॉजी का फर्स्ट पेपर 33 नंबर का था, 3 घंटे में सोल्यूशन करना था, पूरा दिखाने वाला हूं। फिर से एक कॉल आ गया किसी छात्र का, बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कॉल को अभी नहीं उठाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। देखिए मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अपने दोस्तों को बता दो, पूरे क्लास में जब जाया करो ना तो सबसे पहले बोला करो पेपर हैकर यूट्यूब से कौन पढ़ के आया, समझ रहे हैं ना। आज देखते हैं कितने क्वेश्चन पेपर हैकर के बताए हुए आते हैं, सीधे क्लास में बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। यूट्यूब चैनल पेपर हैकर से पढ़ो, उनसे बोला करो, जो भी आपके साथ साथ रह रहे हैं, जिस क्लास में आप जा रहे हो उसमें बैठे हो, बोल दो सबसे कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से पढ़ के आया करो, समझ रहे ना। सबको शेयर करना है, समझ रहे ना आप मेरी बात को। और हाँ, वीडियो को लाइक सभी लोग कर देंगे जिसको भी ये लगता है कि मैंने जो क्वेश्चन दिए वो सारे आए हैं और आपको विश्वास नहीं है, तो 2 दिन पहले की वीडियो उठा के देख लो, ज्यादा दूर नहीं जाओ, सिर्फ 2 दिन पहले जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए। बीएससी बाई पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पहुंचाओ, वहां भी वीडियो प्रोवाइड कराई थी, बीएससी बाई पेपर हैकर पर जाकर देख लो। ये पेपर हैकर पर और बीएससी बाई पेपर हैकर दोनों पर करा रहा हूं, जितने चाहे बीए के स्टूडेंट है तो बीए बाई पेपर हैकर पर और पेपर हैकर पर दोनों वीडियो मिलती है, वहीं बीकॉम के स्टूडेंट है तो बीकॉम बाई पेपर हैकर, बीकॉम और पेपर हैकर दोनों वीडियो मिलती है। मतलब हम आपको हर तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, पर चल को आप सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो यार, उन्हें बोलो। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन, देखो ये है पहला लॉन्ग क्वेश्चन, फिर से देखो किसी स्टूडेंट का कॉल आ गया, देखो सुनाई आ रहा है आपको, देखो इतने कॉल आ रहे हैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। सब लोग कह रहे हैं कि सर आपने जो बताया सब कुछ आया बिल्कुल क्लियर, मतलब एक बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ के चले आए। हमारा जो टारगेट था 70% का टारगेट था, 10 क्वेश्चनों में 70% का टारगेट था कि भाई मैं 70% दूंगा, बाकी 30% जो छूटेगा वो आप खुद बना बना के करके आओगे, मैंने ये कहा था। और मैंने वही आपसे कहा कि 4 महीने पहले की आप वीडियो देख के जाते हो तो 85% प्लस की गारंटी लेता हूं, 85% प्लस की, मतलब कि जो 15% छूटेगा वो आप स्वयं करके आएंगे, स्वयं बना बना के करके आएंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको नहीं आना है छोड़ के। अब देखो यहां कह रहा है लॉन्ग क्वेश्चनों की बात करने वाले, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी हर एक वीडियो को देख के जाएंगे, प्रॉमिस करो पहले तो, और ये प्रॉमिस करो अभी, आप सभी लोग प्रॉमिस करो कि मुझसे, देखो फिर से कॉल आ गया, बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है, मुझसे प्रॉमिस करो अभी, प्रॉमिस करो कि आप कॉलेज में जाते ही अपने क्लास में बैठते ही सबसे कहोगे भाई पेपर हैकर से कौन पढ़ के आया, आज देखते हैं पेपर हैकर के कितने क्वेश्चन फंसते हैं, पूरा चैलेंज के साथ बोलो यार, समझ रहे ना। आपको डरना नहीं है किसी से, कुछ नहीं करना, हम हैं आपके साथ, तो बस उससे बोलो और अच्छे तरीके से उनसे बोला करो कि जब भी आप पढ़ के आओ तो पेपर हैकर यूट्यूब को सब्सक्राइब करो और वहां से पढ़ के आओ, सबसे नंबर वन चैनल कह दो यार सबसे। अब यहां देख लो बात करने वाले, पहला पेज ऑफ यहां कह रहा है 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, भाई ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन करने 6 दिन, मतलब 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अब यहां ध्यान देखिए, मैं आपको जो बोल रहा हूं भाई ध्यान से देखना, ये उभयचर, मैंने कहा ना उभयचर के बारे में क्वेश्चन बनेगा, उभयचर पादप विहीन उभयचर बोला था ना, पादप विहीन उभयचर, पूरा क्वेश्चन वही आया है, कुछ फंसा 6 नंबर का पूरा फंसा है, देख लो कोई दिक्कत किसी को नहीं। यदि आप ये क्वेश्चन ना करना चाहो तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन कर दो, हेमिकार्डेडा, देखो हेमिकार्डेडा आ गया और हेमिकार्डी सॉरी हार्डमानी आ गया, हेमिकार्डी शायद नीचे आएगा,
मैंने देखा नहीं पूरा पूरा। देखो हार्ड मानिया क्या, अब हार्ड मानिया क्या बोल रहा है, हार्ड मानिया मैंने एक आपसे बोला था प्रतिगामी कालांतर को पढ़ के जाना, प्रतिगामी कालांतर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां बोला गया है औद्योगामी कालांतर या प्रतिगामी कालांतर, में इसमें से एक कर दो जो आपका दिल करे। मैंने आपको प्रतिगामी कालांतर के बारे में बताया था, पूरा आ गया क्लियर आ गया। चलो उसके बाद आपको क्या चल रहा है, हार्ड मानिया पूरा पूछ लिया, क्योंकि हार्ड मानिया बनता है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब यहां देखो, मैंने लास्ट में आपने बेलोग्लॉसिस के बारे में बताया था बेलोग्लॉसिस का विकास खंड कैसे हुआ, उसकी शरीर की संरचना के बारे में पढ़ के जाना। तो वही देखो, शरीर की क्रिया विज्ञान वही संरचना के बारे में, बेलोग्लॉसिस है क्या, है ना, समझ रहे ना, बेलोग्लॉसिस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, वही तो क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन देखो 6 नंबर का ये फंसा है आपका। देखो ये चाहो तो ये कर दो, ये चाहो तो ये कर दो, सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। अब देखो नीचे एक इसके अथवाला क्वेश्चन, यदि वो ना कर सको तो नीचे अथवाला क्वेश्चन कर दो। देखो अथवाला क्वेश्चन यहां दे रखा है, ब्रैकियोस्टोमा, देखो ब्रैकियोस्टोमा आ गया, ब्रैकियोस्टोमा देखो पाचन तंत्र, मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया कि पाचन तंत्र पढ़ के जाना है। और ये देखो फील्डिंग विधि आ गई उसकी, मैंने ये बताया पाचन तंत्र पूरा क्वेश्चन फंसा है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखो जो क्वेश्चन दिए भाई आप ऊपर वाला करके आओ, बेलोग्लॉसिस के बारे में पूरा विकास खंड पूरा 6 नंबर का फंसा है। 12 नंबर क्लियर हो गया, तीसरे क्वेश्चन पहुंचो, पक्षियों के कह रहा है विस्तृत वर्गीकरण करना है, मतलब जो पक्षी हैं उनका क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, पक्षी को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। या फिर यहां देखो क्या है, पक्षियों का जो कह सकते हैं क्लासेस का तक, क्लास मतलब जो क्लास है उसकी क्लासेस तक आपको क्या करना है, उनको वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है, वो भी क्लासेस तक पक्षियों का। अब आपको दोनों में से ये क्वेश्चन मैंने शायद क्लासेस के बारे में नहीं बताया, ना ही पक्षियों के बारे में बताया, लेकिन स्तनधारियों के बारे में जरूर बताया कि पक्षी, ये शायद नहीं बताया था, मुझे क्लियर नहीं आया था, लेकिन इसको छोड़ता हूं मैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन था इसको छोड़ दीजिए, आपके 12 नंबर क्लियर हुए मुझे पहले तो ये बताइए, क्लियर हुए 12 नंबर। चलो उसके बाद में आपको क्या जाना है, यहां देखो सेक्शन नंबर बी दे रखा है, और सेक्शन नंबर बी 2 नंबर का है, मतलब कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए। यहां कह रहा है किन्हीं 5 क्वेश्चनों को आपको करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 5 क्वेश्चन। देखो वेल ऑर्गन आ गया, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था बेलोग्लॉसिस के बारे में, पूरा क्वेश्चन देखो ब्रैकियोस्टोमा के बारे में, ये देखो वेल ऑर्गन, पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है पूरा 2 नंबर का, क्लियर करो ठीक है, बताओ क्लियर करोगे। स्तनधारियों में डेंटिस, देखो देखो डेंटेशन के बारे में, मतलब कि दांत, स्तनधारियों के दंत विन्यास के बारे में पूरा क्वेश्चन 2 नंबर का फंसा है, क्लियर हुआ हुआ या नहीं मुझे बताओ। ये देखो विषधारी सर्प जो उदाहरण सहित, जो विषधारी मतलब कि जो जिसमें विष होता है उसका एग्जाम्पल सहित, ठीक है वो देखो पूरा क्वेश्चन फंसा है, बताओ मुझे कोई दिक्कत किसी को। स्तनधारी के गुण पूरा क्वेश्चन फंसा है, कितने क्वेश्चन हो गए देखो यहाँ, 4 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गए, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, देखो क्लियर करो 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब यहां देखो, यहां देखो टैडपोल लार्वा जो होता है टैडपोल, ठीक है उसके महत्व पूछा है, यदि आप ये ना कर सको तो निकोटी के बारे में मैंने आपको बताया कि निकोटिनी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल पूछता है आपसे, बन गया पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन फंसा है, बताओ कुछ बाहर गया है नहीं मुझे बताओ कुछ बाहर। रुधिर देखो संवहन तंत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, वैस्कुलर सिस्टम के बारे में, समुद्री जो कह सकते हैं जो स्कार्प होते हैं उनके बारे में, तो ये छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी छोड़ दो नहीं बताया यार, मैं आपको वो बता रहा हूं तो पेपर में आ रहा है। कितने हो गए 12 और 10 कितने हो गए 22 नंबर क्लियर, सही बताया एक छात्र ने बताया कि सर आपने जो बताया 22 नंबर का क्लियर हुआ है। अब एक लॉन्ग मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिया आपको, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं आपको सब बता देता, पूरा पेपर लीक हो जाता तो क्या होता, तो वो समझो। तो आपको ये क्लियर हो गया यहां से, यहां तक समझ में आ रहा है पूरा पेपर लीक है, कोई दिक्कत किसी को, मतलब पूरा पेपर सोल्यूशन हो गया, जो 2 दिन पहले बताया पूरा पेपर आया। अब चेक करते हैं नीचे, अब यहां देखिए, अब हम बात करेंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चन को। अब मैं पहले सबसे ये बोलता हूं कि एमसीक्यू क्वेश्चनों के लिए हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, पीडीएफ का लिंक मैंने paperhacker.in वेबसाइट पर देख रखा है, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है paperhacker.in, लिंक आप गूगल पर सर्च कर लेना paperhacker.in, या फिर हमारी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर टच करना, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन मिल जाएगी, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर हमने डाल रखी है, जो बिल्कुल फ्री में है, आप पढ़ो यार, यार हमने आपको कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराई है, आप ये देखो, आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लो पेपर हैकर बीएससी सेकंड ईयर जियोलॉजी एमसीक्यू क्वेश्चन, ऐसे करके सर्च करोगे तो हमारी सारे नो एप्लीकेशन आ जाएंगे, जो आपको पेपर हो रहा है उसको डाउनलोड करो यार, सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो 5वें का पहला क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा ना मेरी एमसीक्यू की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लोगे 100% वहां से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, यदि 22 और 3 कितने हो जाते हैं बेटा 25 नंबर, आप बात करने वाले हैं 25 इंटू कितने करेंगे 33 नंबर का पेपर है पूरा, भाग कर दो 33 से इंटू 100, ठीक है 100 कर देना है। अब आपके सामने आ जाएगा पूरा कि हमारे परसेंटेज कितनी आई,
कितने परसेंटेज से हम पास हुए हैं, कितने परसेंट फंसे हैं। देखो मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा किसका आंसर क्या है, राइट वाला बताऊंगा, ठीक है। तो यहां हमारा हो जाएगा 2500, देखो 2500, ठीक है, और भाग करना है 33 से, तो 75% फंसा है। पिछहत्तर भाग करेंगे मतलब 2500 को भाग करेंगे 33 से, तो 75.75 मतलब 75.75 कह सकते हैं, 7.5.75 ये है, ठीक है, समझ रहे हो, 75. मतलब 75.75% ही फंसी है। आप लगा सकते हो, अंदाज आपको होगा खुद कि मैंने आपको केवल 70% का जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया सिर्फ 2 दिन पढ़ाई कर कर। अब आपको बताओ आपको फेल करने वाला कोई है आपके यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं है ना, नहीं होगा, कभी लाइफ में भी नहीं होगा। जब तक हम आपके साथ हैं, जब तक पेपर हैकर जिंदा है, तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हैं ना। तो याद रखना, ये देखिए इस सेक्शन नंबर सी की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। पहला है हार्ट हेमिकार्डेडा, हेमिकार्डेडा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो हमसे पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जिस जो भी छात्र बी लगा के आया है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, जिसे हम टंग वर्म बोलते हैं। चलो उसके बाद में नीचे यहां जाएंगे दूसरे वाले ऑप्शन पर, यहां बोला गया है दूसरा वाला जो ऑप्शन बोला गया है, ध्यान से देखो दूसरा वाला जो ऑप्शन बोला गया है ये वाला, ये बोला गया स्तन पाए जाते हैं। स्तन का मतलब क्या होता है? दूध, यार स्तन तो दूध ही, जैसे महिलाओं में जो बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तन कहलाते हैं, जो भी पशु दूध पिलाता है तो वो स्तनधारी के अंतर्गत रखे गए, यार इसमें स्तन पाए जाते हैं वो स्तनधारी कहलाएगा। जैसे कि कौन कहलाएगा, मैं कह सकते हैं ये चमगादड़ होता है, अपने बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाता है, खुद का दूध पिलाता है, तो वो क्या कहलाता है? स्तनधारी कहलाता है। वही गाय है, स्तनधारी कहलाएगी, और जैसे पशु भी एक और अपना मानव है ये भी स्तनधारी कहलाएगा। तो वो चीजें स्तनधारी के अंतर्गत रखी जाए, पक्षी थोड़ी रखेंगे, ये दूध थोड़ी पिलाते हैं, वो बच्चे थोड़ी रखेंगे, हम लोग सरीसृप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, कभी देखा है तुमने? नहीं, तो ऑप्शन कार्ड तो यार इसमें कोई दिक्कत ही ना है। ऑप्शन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में जाओ, यह है यूरोकार्डेडा के क्लास, क्लास कौन कौन सी यूरोकार्डेडा की, यूरोकार्डेडा की देखो जो क्लास आप जो देख रहे हैं ये तीनों होंगी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ना डी वाला ऑप्शन, इसका डी परम सत्ता आंसर होगा, परम सत्ता आंसर। 3 क्लियर हो गए, देखो किस किसके राइट गए। उसके बाद चौथे वाले क्वेश्चन पहुंच जाओ, इनमें से कौन पक्षी है, हमसे पक्षी पूछा है। देखो इमुस की बात करें, रिया की बात करें, ये सब पक्षी हैं बेटा, ये सभी पक्षियों के नाम है, और यहां आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। किसी छात्र ने मुझे 5वां क्वेश्चन तो भेजा है लेकिन उसके आंसर क्या है ये क्लियर नहीं किया, क्योंकि चारों ऑप्शन मुझे मिल जाते तो मैं इसको क्लियर कर देता, मेरे पास तो चार ऑप्शन है नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार क्रोम ब्राउजर पर आप गूगल पर सर्च करके देख लेना इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है, और इस वीडियो के एक कॉमेंट में बता देना कि इसका आंसर ए या फिर बी होने वाला है, तो जिससे जो भी छात्र इस वीडियो को देखेगा उसको इस आंसर के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ और सभी लोग एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बाय बाय।